देश भर में खालिस्तान का मुद्दा गरमा गया है और इसी खालिस्तान के मुद्दे की वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई है। यहाँ तक कि दोनों देशों ने राजदूतों को भी निकाल दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कनाडा में आखिर खालिस्तानी इतने मजबूत क्यों हो गए हैं और इसके पीछे ऐसी क्या वजह है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कनाडा खालिस्तानियों का सपोर्टर क्यों है। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को टटोलना होगा और जानना होगा कि आखिर कनाडा में सिखों का इतिहास कब से शुरू होता है और कनाडा में सिखों की बसावट कब से शुरू होती है। ये रिपोर्ट देखिए। खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच तलखी आ गई। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कनाडा और भारत के बिगड़ते रिश्तों के बीच पीएम जस्टिन ट्रूडो का झुकाव खालिस्तान समर्थकों की तरफ क्यों है और इसका कनाडा में सिखों के इतिहास से क्या लेना देना है। बता दें कि भारत और कनाडा के रिश्ते परंपरागत रूप से कभी काफ़ी गहरे थे। दोनों देशों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती थी। शायद ही इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने खराब हुए हों। दरअसल जो चिंगारी भारत और कनाडा के बीच सुलग रही है उसका नाम है खालिस्तान। ये शब्द कुछ ऐसे लोगों की उपज है जो भारत से पंजाब को काटने का मंसूबा रखते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर कनाडा में खालिस्तान इतने मजबूत कैसे हुए और इसके साथ ये भी जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो के देश में सिख समुदाय के लोगों की पहली बसावट कब और कैसे शुरू हुई। कनाडा में पहली बार सिख कब पहुंचे? बात 1897 की है। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी जिसमें ज्यादातर सिख समुदाय से थे उन्हें डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने का न्योता दिया। ये वही समय था जब ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री के महज 21 जवानों ने सारागढ़ी की लड़ाई में 10,000 से ज्यादा पठानों को धूल चटा दी। कहते हैं कि जिस दौरान महारानी विक्टोरिया ने इन सैनिकों को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने का न्योता दिया उस दौरान उनके साथ ब्रिटिश भारतीय घुड़सवार सैनिकों का एक दल कोलंबिया के रास्ते में था। इस घुड़सवार दल में शामिल थे मेजर केसर सिंह रिसालेदार, कनाडा में बसने वाले पहले सिख यही थे। बाद में इनके साथ कुछ और सैनिकों ने भी कनाडा में बसने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे भारत से कनाडा जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों में भारत से ब्रिटिश कोलंबिया में करीब 5,000 भारतीय बसने पहुंच गए और इनमें 90% से ज़्यादा सिख समुदाय के लोग थे। वहीं कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जब महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश इंडिया के लोग कॉमनवेल्थ का हिस्सा होंगे और उन सभी लोगों के बराबर होंगे जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, तो इसका भारतीयों पर बड़ा असर हुआ, खासतौर पर उन भारतीयों पर जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से रिटायर हुए थे, जो ज़्यादातर सिख ही थे। वही लोग थे जो भारी तादाद में भारत से बाहर बसने लगे। इनमें पंजाबी समुदाय या पंजाबी सूबा के रिटायर सैनिक थे। इन्होंने भारत से बाहर बसने के लिए कनाडा को चुना और भारी तादाद में वहाँ बसने लगे। वहीं जब कनाडा में सिख समुदाय के लोग बसने लगे तो वहाँ के मूल नागरिकों को इनसे परेशानी होने लगी। इसी को लेकर कई बार विरोध हुए, नस्ली हिंसा हुई, भारतीय प्रवासियों पर प्रतिबंध लगाया गया ताकि वो कनाडा ना बस सकें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट में देखिए कि किस कदर कनाडा में सिखों को विरोध और नस्ली हिंसा का शिकार होना पड़ा। कामागाटा मारू जहाज और सिखों की सड़क से संसद तक पहुंचने की कहानी भी दिलचस्प है। अगली रिपोर्ट में देखिए।